तो आप सभी को सबसे पहले तो हमारा नमस्कार। आज की जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, हम बेसिकली सिर्फ इसलिए बनाने जा रहे हैं कि हमारे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब उनको मोस्टली क्या होता है LTC अवेल करते हैं तो काफ़ी उनको बातें पता नहीं होती, इस कारण वो LTC अवेल करने में घबराते हैं या फिर गलतियाँ कर जाते हैं, जिसके कारण उनका जो क्लेम पास नहीं होता। तो उनके सुविधा के लिए आज हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे LTC अवेल कर सकता है। ये है कपिल जी हमारे। हेलो, नमस्कार सबको। ये स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना, वो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप सभी देख सकते हो, ठीक है। अब वन बाय वन हम सारी अपडेट आपको देते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करो दीप जी। हाँ, तो बेसिकली जो LTC नॉर्मली सबको पता है क्या नहीं है, किस तरीके से क्या क्या रूल्स है उसके, मैं दो तीन बातें आपको बता दूँ। LTC जो है आप अपने परिवार के लिए ले सकते हैं, परिवार में आप हो गए, आपकी वाइफ या हस्बैंड, जो भी मैटर होगा उसके अकॉर्डिंग, और दो अनमैरिड चिल्ड्रंस जो कि क्या नाम, जिनकी शादी ना हुई हो, और अगर आपकी बेटी की शादी होगी हो तो उसमें अगर शादी के बाद या तो डिवोर्स हो गया है या फिर उसका क्या नाम है, एक ये है, एक विडो का ऑप्शन भी, मेल डिपेंडेंट 25 इयर्स तक, मेल का और दोनों को डिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो विडो में हो या चाहे उसमें डिवोर्स में हो, वो डिपेंड होनी चाहिए आप पे, तभी आप उसके लिए LTC अवेल कर सकते हैं। मिनिमम सर्विस आपकी एक साल होनी चाहिए उसके लिए LTC अवेल करने के लिए, और LTC अवेल करने कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए एक साल के लिए, और क्या नाम है, 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है आपका, जैसे अब चल रहा है इस टाइम पे हमारा जो ब्लॉक ईयर है 2022 से 2025 चल रहा है, और उसमें दो होम टाउन होते हैं आपके, 2022 से 2023 और 2024 से 2025 होम टाउन, और ये एक साल के लिए एक्सटेंडेबल होता है नॉर्मली, और जो भी वो चेंज होते हैं डायरेक्शन आती रहती है उसकी, जैसे प्रीवियस वाला 18 से 21 था, अब 21 से 22 31 12 2022 तक एक्सटेंडेबल है, तो 31 12 जो लास्ट जिन्होंने अवेल नहीं किया है वो अपना ले सकते हैं 31 12 2022 तक। अब बात करते हैं हम क्लेम कैसे करें LTC के लिए। तो क्लेम करने के लिए आपको सीधा अगर LTC एडवांस लेना है तो आपको 60 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा LTC एडवांस के लिए, जब वो आपके अकाउंट में एडवांस आ जाएगा तब आप अपनी टिकट बुक करके आप जा सकते हैं, या फिर अगर आपको लीव इनकैशमेंट लेनी हो तो उसके लिए भी अलग से फॉर्म आता है, तो एडवांस के लिए भी आप वो फॉर्म भर के अपने डिपार्टमेंट में दे दीजिए, और जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आए आप टिकट बुक करके जा सकते हैं। जिनको एडवांस है लीव इनकैशमेंट नहीं लेनी, वो सिंपली एक या तो अपने डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म भर के या फिर मेरे लिए एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं आप, जिसमें आप अपना ब्लॉक ईयर आपको मेंशन करना पड़ेगा, अगर आप ऑल इंडिया ले रहे हैं या होम टाउन ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जो आप लास्ट डेस्टिनेशन लिखोगे आपको वहाँ तक का ही किराया मिलेगा, रिम्बर्स वहीं तक का ही होगा, उससे आगे का आपको किराया नहीं मिलेगा, और आपको उसके लिए छुट्टियाँ लेनी ज़रूरी है। कई लोग कहेंगे कि हम संडे में चले जाए या GH में चले जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। LTC का मतलब ही यही है कि आप छुट्टियों के लिए उसके पीरियड में ही जाओगे, उसके लिए आपको ये लेना कंपलसरी है। तो एक तो बात ये थी, दूसरी बात तो आप अप्लाई करने के बाद आपको स्टेशन टू स्टेशन का आपको जो है रिम्बर्स हो जाएगा, तो अब आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं। सर मेरी क्वेरी है, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहता हूँ, हाँ जी, तो सर मैं कितने दिन पहले अप्लाई करूँ? सर अगर आपको एडवांस लेना है तो आप 60 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको एडवांस नहीं लेना तो आप जो अपने डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन दे के आपकी जो छुट्टियां हैं वो अप्रूव करवा के उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कौन से स्टेशन से कहाँ जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सिक्किम, कई बार लिखते थे वो दिल्ली टू सिक्किम जा रहे हैं, तो दिल्ली टू अगर आपने सिक्किम लिखा तो आपको सिर्फ सिक्किम तक का ही किराया वहाँ जाके आपको पता लगेगा कि सिक्किम से आगे नाटुल्ला भी एक जगह है, तो अगर आप नाटुल्ला लिखोगे तो नाटुल्ला तक का आपका किराया रिम्बर्स होगा, अगर सिक्किम लिखोगे तो सिक्किम तक का आपका किराया रिम्बर्स होगा। ये आपका जो होता है जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कवर करोगे उसका आपको जो है रिम्बर्स होगा। और दिल्ली टू नाटुल्ला के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको क्या नाम है, जो भाई या बहन जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आपके लिए अलग अलग ग्रेड पे या स्केल बन चुके हैं, अब तो लेवल बन चुके हैं, तो अगर आपका लेवल 9 या लेवल 9 से ऊपर हो तो आप डायरेक्ट बाय एयर के लिए इंटाइटल्ड हो, और अगर आप लेवल 7 या 7 से ऊपर हो तो लेवल 7 क्या नाम है 4600 ग्रेड पे होता है उसके लिए आप सेकेंड AC के लिए इंटाइटल्ड हो, और लेवल 7 से जो भी नीचे ग्रेड पे होते हैं हमारे लेवल है वो सब थर्ड AC के लिए इंटाइटल्ड है। व्यूअर्स को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट का LTC अवेल करते हैं तो दिल्ली से लेके बागडोर का एयरपोर्ट है हमारा, वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक हाँ। है वहाँ तक का होता है, उसके बाद जो भी LTC ग्रांट करते हैं
वो अपना बाई फेयर किराए के थ्रू जाते हैं सिक्किम तक, तो वो आप जो भी वहाँ जो भी आप किराया लगाओगे या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसका एक अप्रूवल होता है सिक्किम गवर्नमेंट का कि ये गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट होता है, वो मैं अभी अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ ही। एक सर्टिफिकेट आपको अवेल करना पड़ेगा वहाँ की जो टैक्सी यूनियन जहाँ से आप टैक्सी करोगे, और टैक्सी के साथ ही वो एक अपना फेयर चार्ट भी देंगे आपको, फेयर का बिल का वो देंगे आपको एक कॉपी। उस वो कॉपी आपको जरूरी है कि सिक्किम टूरिज्म से अटैच्ड हो, एक स्टैंप लगा के देते हैं वो अपनी, उनकी यूनियन की एक बिल की कॉपी होती है उसके ऊपर सिक्किम टूरिज्म की स्टैंप होती है, उसका सैंपल भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बिना आपका जो है क्या नाम सिक्किम से आगे नाथुल्ला तक का जो भी डिस्टेंस है उसके बिना अप्रूव नहीं होगा क्लेम आपका। और व्यूअर्स के लिए हमने एक हेल्पफुल और कर रखा है, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक वीडियो का, वो हमने पूरी उसमें फुल डिटेल्स आपकी सिक्किम कैसे विजिट करें, क्या क्या वहाँ देखने के लिए चीजें हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको व्यू करें एक बार। तो हम जैसे जैसे वहाँ पे गए थे कैसे कैसे, हमने दिल्ली से सीधा बागडोगरा एयरपोर्ट उतरे, बागडोगरा एयरपोर्ट से सिक्किम गए, सिक्किम 5 से 6 घंटे की ड्राइव है, सिक्किम से फिर नाथुल्ला गए, नाथुल्ला से वापस फिर सिक्किम आए, सिक्किम से फिर दार्जिलिंग गए, दार्जिलिंग से फिर डायरेक्ट हम एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से दिल्ली। तो सारी आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन का आपका। अब काफी सोचते हैं कि हम अंडमान घूम के आ जाए एक बार, अंडमान के लिए। तो अंडमान के लिए क्या क्या करना होता है सर? अंडमान के लिए देखो, पहले तो जो डायरेक्ट बाय एयर के लिए इंटाइटल है वो तो डायरेक्ट जा सकते हैं दिल्ली से अंडमान, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाय एयर के लिए इंटाइटल नहीं है, जिनके लेवल छोटे हैं 5400 से, यानी कि लेवल 9 से नीचे के हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो क्या कर सकते हैं, उसमें आपको दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से चेन्नई या दिल्ली से विशाखापट्टनम तक का आपको बाय ट्रेन करना पड़ेगा। आप बाय ट्रेन वहाँ तक जाइए, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जर्नी ब्रेक करनी पड़ेगी दिल्ली टू कलकत्ता, दिल्ली टू चेन्नई या दिल्ली टू विशाखापट्टनम, वहाँ से आपको कलकत्ता चेन्नई जो भी है आपका मैटर है, वहाँ से आपको फिर अंडमान की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका जो फेयर है ब्रेक हो जाएगा, आपको फिर दिल्ली से कलकत्ता चेन्नई का तक का जो भी है बाय ट्रेन का किराया मिल जाएगा, थर्ड एसी का या सेकेंड एसी का, और कलकत्ता और चेन्नई से आपको बाय फ्लाइट का मिल जाएगा। होगा क्या कि जो आपका डिपार्टमेंट है उनको इजी हो जाएगा आपका जो है जो ब्रेकअप करने में और जो क्लेम रिस्ट्रिक्ट करने में, कि भाई आपका दिल्ली से कलकत्ता तक का इतना ट्रेन का था, कलकत्ता से अंडमान तक का बाय एयर का इतना है, तो आप अगर जो भी अपना डायरेक्ट करोगे या जैसे भी होगा आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेयर चार्ट लगाना पड़ेगा। अब पहले तो क्या था कि आप बाय डायरेक्ट कर सकते थे, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते थे स्पाइस जेट एयर इंडिया किसी से भी, लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने, आप सिर्फ 3 मोड से ही बुकिंग कर सकते हो, बामन लोरी, आईआरसीटीसी, अशोका ट्रेवल्स, इन तीनों मोड से ही आप टिकट, इनके बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं है, फोर्थ किसी साइड से आप नहीं कर सकते। इनके अलावा अगर आप किसी से ही बुक करोगे तो आपका क्लेम सिंपली रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ को काफ़ी ध्यान दें। सीधा आपको बामन लोरी, अशोका ट्रेवल, आईआरसीटीसी से ही बुक करनी है डायरेक्ट, और जिस टाइम आप बुक करो, जिस दिन बुक करो, जैसे आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन अगर आप बुक कर रहे हो अपनी टिकट, तो उसी दिन का आपको फेयर चार्ट निकालना पड़ेगा। फेयर चार्ट की मैं सैंपल एक लगा दूंगा, लोएस्ट फेयर 3 घंटे का ब्रैकेट बना दिया है अब, पहले तो पूरे दिन का होता था, लेकिन अब क्या करा है कि नया एक ऑर्डर आया जिसमें 3-3 घंटे का ब्रैकेट बना दिया, जैसे सुबह 6 से 9 बजे के बीच में जो लोएस्ट फेयर होगा, अगर आप उस टाइम पे बुकिंग करोगे तो उस टाइम का आपको लोएस्ट फेयर मिल जाएगा, 9 से 12 का होगा तो उस टाइम का लोएस्ट फेयर। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जिस टाइम पे भी आप बुक कर रहे हैं आप लोएस्ट फेयर पे बुक करें, और अगर लोएस्ट फेयर पे आप बुक नहीं करते तो जो भी आपका बीच का क्या नाम है गैप होगा पैसों का, वो आपको क्या नाम है खुद बियर करना पड़ेगा, और क्योंकि जो डीलिंग है आपके डिपार्टमेंट में वो आपको लोएस्ट फेयर के हिसाब से ही आपको देगा, क्योंकि उसमें रूल्स में बोला गया है आपको कि क्या नाम है कम से कम आपको सबसे सस्ती टिकट करनी है, अपनी कोशिश करनी है। तो ये तो हो गई अंडमान दिल्ली की, बाकी जम्मू कश्मीर के लिए सब बाय एयर के लिए इंटाइटल है तो आप जा सकते हैं, लेकिन इन 3 मोड से ही आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी, और फेयर चार्ट जरूरी है आपको रखना, बिना फेयर चार्ट के आपका क्लेम पास नहीं होगा। तो और कुछ बातें सर? बाकी तो जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप डायरेक्ट IRCTC वेबसाइट खोलिए और अपना टिकट बुक करिए, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, उसके लिए कोई भी ये नहीं, जैसे सिक्किम में होता है हमारा नथुला एक पॉइंट हो जाता है वो स्किप कर जाते हैं ट्रैवल करने वाले, स्किप कर जाते हैं। ये आपको जब अप्लाई करोगे LTC आपको पहले आपको चेक करना है कि आपको जाना कहाँ तक है, जिस पॉइंट तक आपको जाना है उस पॉइंट तक का ही आपको किराया रिम्बर्स होगा, उससे आगे का नहीं होगा। बाय चांस आपका मूड बदल जाए
कि मैं तो उससे आगे भी जाना चाहूँगा, लेकिन अगर आपने LTC में मेंशन नहीं करा अप्लाई करने के टाइम पे, तो वहाँ तक आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ तक का आपको किराया नहीं मिलेगा, वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। श्रीनगर का आप सभी ऑनलाइन टिकट बुक करा के उसके बाद अपना पैकेज बुक करा लीजिए, ठीक है। आप अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ घूमिए, कोई रोक टोक नहीं है आपकी, बाकी आपको जो टिकट है वो सारा रिमबर्स हो जाएगा श्रीनगर के लिए। और बाकी ये तो थे जो अंडमान नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के लिए। अब जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो है बाय एयर के लिए डायरेक्ट इंटाइटल नहीं है, उनके लिए मैं बता दूँ, आप किसी भी और थर्ड जगह जाना चाहते हो जहाँ पे ट्रेन जाती है, क्योंकि आप लोग हो सेकंड एसी और थर्ड एसी के लिए इंटाइटल, जैसे आप लोगों को गोवा जाना है तो आप बाय एयर जा सकते हो डायरेक्ट गोवा के लिए, लेकिन आपको क्या नाम है उसका फेयर चार्ट लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया आपको इन IRCTC बामलोरी चौका से ही आपको टिकट बुक करानी है और उस दिन का फेयर चार्ट भी लगाना है आपको, साथ में आपको IRCTC से ट्रेन का फेयर भी देना पड़ेगा उस दिन का जिस दिन आप जाओगे ट्रैवल करोगे, क्योंकि आप इंटाइटल्ड हो थर्ड एसी या सेकंड एसी ट्रेन के लिए, तो आपको वही किराया मिलेगा जो भी लोअर होगा, चाहे ट्रेन का हो चाहे बाय एयर का हो, जो भी लोवेस्ट होगा वो आपको क्लेम मिल जाएगा। आपको जो भी डिफरेंस होगा वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, आप बाय एयर जा सकते, चाहे आप दिल्ली से गोवा जाओ, केरला जाओ, राजस्थान जाओ। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि आपकी जो प्लेन की टिकट होगी वो आप 3 साइड से ही कराओगे, उसके बियॉन्ड गए तो आपका पैसा फिर थर्ड पार्टी या किसी एजेंट से आपने बुक कराया, चाहे मेक माई ट्रिप हो चाहे और बथेरी ऐप्स है, पेटीएम वगैरह से भी, तो वो भी अगर उनसे के थ्रू भी आपने कराया तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको बियर करना पड़ेगा फिर, वो आपको कुछ भी रिमबर्स नहीं होगा। और बाकी आपको कुछ भी आप हमसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में बोल दे, ये है कपिल, मैं हूँ दीप और हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोशिश करेंगे जैसे भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलती रही आगे भी कुछ अपडेट होगा तो हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।